हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं ये पेंसिल कलर की ड्राइंग। ये देखिए पेंसिल कलर ये आते हैं, ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किए हैं, ये मैंने दुकान से परचेज़ किए हैं। ये 60 रुपीज़ के हैं। ये निकाला मैंने डब्बा, ये शार्पनर आता है और स्किन की जगह वाइट आता है। चलिए ड्राइंग स्टार्ट करते हैं, मैं ड्राइंग बनाने के बाद मिलता हूँ। ये देखिए फिर से आ गया मैं। चलिए ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। पहले ये इसके लिए हम ये पेंसिल वाला यूज़ करेंगे। यहाँ पर साइड से डार्क थोड़ा सा कर देंगे, साइड से थोड़ा सा डार्क, साइड से थोड़ा सा डार्क कर देंगे। फिर ऐसे ऐसे कर हम कर देंगे। ये देखिए फिर पूरा हम कर लेते हैं। ये हो गया, ये हमारा आउटलाइन हो गया। अब हम ये देखिए आउटलाइन हो गया हमारा, आउटलाइन पूरा हो गया। अब थोड़ा सा लाइट ग्रीन, ये देखिए हम कर लेते हैं। ये ड्राइंग कैमरा मैं अपने हाथ पर पकड़ाऊँ, दूसरा हाथ मेरा दिख नहीं रहा होगा आपको। ये देखिए ये दोनों कलर मैच करते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा यहाँ से ये हो गया, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये थोड़ा सा इसको फैला लेते हैं। फैलाने की जगह हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं इसको, ट्री को। अभी इसी पैटर्न को बार बार दोहरा दोहरा कर फिर से ये देखिए ये हम पैटर्न को ही ऐसे कर लेते हैं। पैटर्न को क्या, हम पूरा ऐसे कर लेते हैं, पूरा इसके अंदर हम भर देते हैं कलर। ठीक है, इसको हम घिस देते हैं थोड़ा सा हाथ से, लेकिन हाथों से करना गलत है, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। लेकिन ये देखिए वो ये अब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। आपको कैमरे में अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है। इसी तरह हम दूसरे ट्रिम में भी कर लेते हैं। आपको कैमरा में अगर अच्छा लग रहा हो तो ठीक है, अगर ना अच्छा लग रहा हो तो मैं थोड़ा सा कर लूँगा अगली बार से। मेरे पास इतना अच्छा कैमरा नहीं है। ये देखिए पूरा मुझे ये वाला ट्री करना है। पहले सीनरी थी तो एक पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा, दूसरा पार्ट कंप्लीट करके फिर यही पैटर्न को मैं फिर से दोहराता हूँ यहाँ पर फिर मिलता हूँ। ये हमारा दूसरे ट्री में भी हो गया। ये थोड़ा सा अलग दिख रहा हो, उससे सेम दिख रहा है। चलो कैमरा में थोड़ा सा साफ कर लेता फिर से मैं। देखिए यहाँ ट्री का हो गया। हम नीचे के स्टेम करते हैं, ये मैंने निकाला। नीचे के स्टेम को कलर करते हैं। स्टेम को थोड़ी सी ब्राउनी रहने देंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और मेरे ये देखिए इससे ट्री तो थोड़ा सा ठीक ठाक ही लग रहा है। इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देते हैं। ब्लेंड कर दिया मैंने। अभी इसी ट्री में ये करना है, फिर इस हाउस को फिर साइड में थोड़ा सा मैंने आधा हाउस बनाया। फिर यहाँ पर ग्रीनरी आएगी पूरी और यहाँ पर पूरा स्काई। स्काई के लिए मैं वाटर कलर यूज़ करूँगा और वो ये नीचे पोर्शन के लिए पूरा वाटर कलर। तो मैं इस स्टेम को आपके सामने कर देता हूँ। मैं वीडियो को बंद करने वाला था, मैंने नहीं किया। देखिए मेरा पूरा होगा, जैसे थोड़ी सी ऐसे कर देता हूँ। अगर आपको मेरी ड्राइंग अच्छी लग रही हो, वैसे मैंने पहले भी बताया था मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी एक बच्चे की होती है,
वैसे मेरी ड्राइंग ज़्यादा बेहतर भी है और ज़्यादा गंदी भी है, तो चलो कोई बात नहीं, पहले कर लेते हैं। ये जो ये है हाउस को, ये सीनरी का आधा पार्ट हो गया मेरा। ये हम पहले ग्रीनरी करें या फिर हाउस ही करते हैं। हाउस में मैं करूँगा ऑरेंज यहाँ से मैं ले रहा हूँ, ऑरेंज यहाँ पर और ग्रे यहाँ पर और यहाँ पर ब्लू करते हैं। पहले यहाँ पर ऑरेंज ऑरेंज ग्रे तो मेरे पास है नहीं, कोई बात नहीं, ग्रे के बिना ही काम चला रहेंगे हम। वैसे अगर आपको चाहिए ब्लॉग्स मिले तो मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका नाम है मोहम्मद तारिक अंसारी। उस पर कम सब्सक्राइबर हैं 7, तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वाले चैनल को भी। ये देखिए हो गया, इसको फिर इसको भी ब्लेंड कर लेते हैं। इसको ब्लेंड कर लिया मैंने अच्छे से, और यहाँ पर हम करते हैं अलग अलग कलर कर देंगे या सेम ही करते हैं, क्योंकि हम एक नेचर ड्राइंग बना रहे हैं, नेचर में हर चीज़ अलग अलग कलर की नहीं होती, इसलिए हम करेंगे ऑरेंज, यहाँ पर भी ऑरेंज। यहाँ पर करने के बाद मिलता हूँ, थोड़ा सा कैमरा करूँगा बन नहीं रहा, कैमरे से देखकर मैं करूँ। अगर ऑरेंज कलर आपको कैमरा में सही दिख रहा है तो मुझे भी सही दिख रहा है ना। यहाँ पर मैंने बताया था ना स्काई में मैं वाटर कलर यूज़ करूँगा, तो इसको मैं करने के बाद मिलता हूँ। ये आधा कलर, ये पोर्शन मैं करने के बाद मिलता हूँ। ये रहा हमारे हट का ऊपर का छत्ता। अब नीचे हम करते हैं, नीचे में हम अलग अलग कलर करेंगे, ये कहीं ब्लू डार्क ब्लू, ये हमने ये जो ऑरेंज यहाँ पर बड़ी वाली थी, और साइड के लिए हम ले लेते हैं येलो, नहीं हम लेते हैं कैमरे से देखकर पता चलता है येलो, और रेड ले लेते हैं साइड के लिए, इसके लिए रेड और इसके लिए ब्लू, और ये इसके लिए येलो, इसके लिए ब्लू। तो इन तीनों को मैं कर फिर मिलता हूँ। बार बार मैं स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना बने, वैसे वो 8 मिनट की बन गई है, वैसे ज़्यादा वीडियो मैं लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बार बार रोक रहा हूँ। फिर इन तीनों को कलर करने के बाद में मिलता हूँ। ये रही मेरी ड्राइंग, बच्चों वाली लग रही होगी, बिल्कुल बच्चों वाली बोरी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे इम्प्रूव होगी, इम्प्रूव हो जाएगी, बहुत अच्छी। ये कलर से इतनी तो इम्प्रूव हो ही गई है, ज़्यादा मैं घिसना नहीं चाहता था कलर का, पूरे नोट टूट गए थे और शबना से शॉप नहीं करना चाहता था। ब्लू को थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि ब्लू हमारा मेन कलर है, क्योंकि वो सबसे बड़ा है इन तीनों में से, इनके नीचे मैंने कलर ही नहीं किया, बस जैसे कर देता हूँ। और इनके दरवाज़ों में मैं सोच रहा हूँ ब्लैक कर दूँ, ब्लैक कर दिया मैंने, वैसे अच्छा लग रहा है, ब्लैक ब्राइट हो रहा है कलर। वैसे अगर मेरी वीडियो अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, ऐसी बात नहीं, लाइक में कौन से पैसे जा रहे हैं आपके। वैसे बिल्कुल डार्क नहीं हो रहा, बिल्कुल कैमरे में ज़्यादा जूम हो रहा है या फिर मेरे में ज़्यादा जूम, मुझे ज़्यादा जूम लग रहा है, कैमरे में ज़्यादा जूम हो रहा है इसलिए आपको कलर ब्राइट नहीं दिख, कलर आपको अच्छे नहीं दिख रहे है ना,
तो कोई बात नहीं, आने वाली वीडियोस में अच्छा कैमरा ले आऊँगा मैं, चिंता ना करिए, अच्छा वाला कैमरा। तो ये हो गया पूरा तैयार। अब मैं ग्रीनरी की मैं क्या करूँ, ग्रीनरी के लिए मैं करूँगा यूज़ वाटर कलर, ग्रीनरी के लिए और स्काई के लिए। ग्रीनरी मैं नहीं बना रहा, ग्रीन इसको मैं यहाँ प्लेन ही छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। प्लेन या मैं अभी थोड़ी देर बाद कर दूँगा, पहले स्काई का मैं कर दूँ, ग्रीनरी कर देता हूँ मैं पहले। ये मैंने था ग्रीन कलर और ये मैं कर दे रहा हूँ ये। वो नहीं, इतना हो सकता था। ये मेरी ड्राइंग फाइल है, ये मुझे पड़ी है 40 रुपीज़ की, 40 या 20 की मुझे पता नहीं, ठीक है। ये मैंने बताना भूल गया। और जो मेरे वाटर कलर्स हैं जो मैं अपनी एक वीडियो में यूज़ कर चुका हूँ, उसकी मैंने प्राइस बताई हो या नहीं मैं फिर से रिमेम्बर करवा देता हूँ। ये वाले वाटर कलर्स की और इसका है 20 रुपीज़, लेकिन ये जो ये दो सिल्वर और गोल्ड हैं ये दोनों एक्स्ट्रा आए हैं। और पहले आते थे बिल्कुल ग्लेटर फॉर्म में, मतलब ग्लेटर फॉर्म में अलग ही आते थे। अब ये पेंट जैसे होता है ना पेंट वैसे आने लगे हैं, वरना लिक्विड नहीं होते थे, बिल्कुल ग्लेटर होते थे। दो बोलते बोलते हमारा आधा कंप्लीट भी हो गया। ये पूरा करने के बाद मिलता हूँ ना, बहुत बोरिंग वीडियो बन रही है, 10 मिनट से ज़्यादा हो गया हमारी वीडियो को, तो मैं जल्दी करके मिलता हूँ फिर। ये रहा, ये मैंने ग्रीन टी कर दिया, बोरिंग ज़्यादा हो रही, 12 मिनट की वैसे बन गई। और ये स्काई में मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ, लाइट ब्लू कलर वाटर कलर्स। ये वाटर कलर्स मैं कर रहा हूँ क्योंकि वाटर कलर्स ठीक ही ठाक है, मैं कर लूँगा यूज़ कलर ब्रशिंग से। तो मैं स्काई में कलर बनाकर मैं करता हूँ थोड़ा सा अच्छा कलर बनाकर। और एक बात बतानी थी, अगर आप डोम्स का कलर लेते हैं तो डोम्स का शॉर्पनर अच्छे से ये वाला नहीं वर्क करता, क्योंकि ये वाला जो शॉर्पनर है ये वाला ऐसा शॉर्प करता है और छोटी नोक बना देता है, तो ये वाला शॉर्पनर नहीं यूज़ करिएगा आप। जो आपके पास नॉर्मल शॉर्पनर है उससे शॉर्प करिएगा। यहाँ आता था तो मैं अभी वीडियो को स्टॉप करके फिर आपसे मिलता। ये रहा मेरा वाटर कलर से पूरा फिनिशिंग टच। ये आपको अच्छा लग रहा है या नहीं ये आप बता दीजिएगा। ये अब आप जो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, और हैप्पी दिवाली आने वाली है, हैप्पी वाली, तो उसके ऊपर भी वीडियो आएगी, एक खाली एक ना कि दो भी डाल सकता हूँ मैं, कोई बात नहीं। एक क्राफ्ट की डालूँगा, एक आर्ट की, पेंटिंग की या ड्राइंग की। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगर आपको ये अच्छा लगा। पहले थोड़ा सा ब्लंट भी कर देते हैं वाटर से, हम इस फ्रीज को ब्लू तो नहीं छोड़ देगा, नहीं थोड़ा सा ऐसे हम ब्लंट करते हैं। ये हमारा अच्छा कलर बन गया, ये लो ज़रा भी कर देते हैं। ये हमने कर दिया और ये पूरा अच्छा लग रहा है। थोड़ी जगह रह गई वो मैं कर देता हूँ, कर देता हूँ थोड़ी सी। ये हो गया मेरा कंप्लीट, ये पूरा फाइनली लुक। ऊपर अच्छा लगेगा नहीं, सूख कर अच्छा लगेगा, फिर सूखने के बाद अच्छा लगता है या नहीं ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जब 1K हो जाएंगे तो मैं जब तक जितनी ड्राइंग हो जाएंगी मैं उतनी ड्राइंग दिखाऊंगा, पूरे 1K पे सारी ड्राइंग, एक भी ड्राइंग नहीं छोड़ूंगा। और एपिसोड 2 आ रहा है उसका, जो मैंने एपिसोड 1 डाला था ड्राफ्ट ऐसे कुछ करता रहा,
वो अलग गेम का एपिसोड 2 आ रहा है कल, कल आ रहा है या आ जाएगा वो मुझे पता नहीं। और आज के लिए इतना ही, ये पूरा मैंने सिनरी बनाई, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।